हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? कमेंट्स करें। तो आप लोगों को हम एक फॉर्मूला डेराइव्ड कर रहे थे, कुछ याद दिलाएं जो भी कल हमने कराया था। पिछली मीटिंग में हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 13 के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हम आपको एक थ्योरम के बारे में बता रहे थे, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ये बताएं सभी, क्या आवाज आ रही है आपके पास? जवाब दें। अरे रिप्लाई करो भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? गुड आफ्टरनून। आप लोगों को हम थ्योरम नंबर फर्स्ट के बारे में बता रहे थे। ये था कि किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है। किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है। आप लोगों को हमने बताया था, फर्स्ट डिफरेंस के लिए तो बता दिया था, अभी सेकंड थर्ड इनके बारे में डिस्कस करेंगे। छोड़ो, हम इस थ्योरम को पूरा शुरू से कराते हैं। आप लोगों के पास वैसे लिख रहा होगा, माना स्वतंत्र चर एक्स के मान एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन है, तब प्रथम विभाजित अंतर एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन। इसको आप अलग अलग करें, एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन में एक्स जीरो माइनस का एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन। ये तो रहा एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन, माइनस कॉमन लें तो माइनस माइनस हो गया, प्लस एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो आपको कल भी बताया था हमने कि इसे एक्स वन एक्स जीरो लिखें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नो चेंज है, एक्स वन एक्स जीरो एक्स वन एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स जीरो। अतः प्रथम विभाजित अंतर सममित है, या प्रथम विभाजित अंतर उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र है, चरों के क्रम से स्वतंत्र है।
यानी एक्स जीरो को पहले लिखो, एक्स वन को बाद में लिखो, और यहाँ एक्स वन को पहले लिखो, एक्स जीरो को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, द्वितीय विभाजित अंतर की बात करें तो द्वितीय विभाजित अंतर है, इसको भी क्रम से स्वतंत्र बताएं। द्वितीय विभाजित अंतर एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, इसको लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन माइनस का एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू। आपको बताया था डिफरेंस फॉर्मूला, एक्स जीरो एक्स वन पहले लिख दिया, बाद में एक्स वन एक्स टू लिखा, अपॉन में आएगा फर्स्ट माइनस लास्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड किया जाए तो ये बनेगा वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स टू को पहले लिखा, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन का मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन, ये आएगा फिर माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू का मतलब रहा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू। अब हम इसको अलग अलग करें तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज, चलो जगह कम पड़ेगी तो आर एच एस को ही लिख रहे हैं, एल एच एस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू के इक्वल है ये, तो ये रहेगा यहाँ वन अपॉन एक्स जीरो माइनस का एक्स टू, ये टर्म तो पहले ही लिख दी। अलग अलग डिवाइड करें तो एक्स जीरो एक्स जीरो माइनस एक्स वन है, इसको एफ ऑफ एक्स जीरो को डिवाइड करें इससे, तो एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन ये एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स वन, तो इनको अलग अलग किया जाए तो एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस का एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन, फिर आएगा ये माइनस एफ ऑफ एक्स वन को एक्स वन माइनस एक्स टू से डिवाइड करें, एफ ऑफ एक्स वन को एक्स वन माइनस एक्स टू से डिवाइड करें, और ये आएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स टू को एक्स वन माइनस एक्स टू से डिवाइड करें, प्लस एफ ऑफ एक्स टू को हम डिवाइड करें एक्स वन माइनस एक्स टू से, तो ये बना आपका वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स टू, ऊपर है ये एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन। फिर आप देखेंगे इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स वन तो बाहर निकाला, और जैसे ही एफ ऑफ एक्स वन को हमने बाहर निकाला तो एलसीएम में बनेगा, देखिए अभी एक स्टेप इसमें बढ़ा देते हैं हम, एफ ऑफ एक्स वन को हमने बाहर किया तो यहाँ रहेगा वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन प्लस वन अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस प्लस में है ये एफ ऑफ एक्स टू अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू, ये रहा। इसको लिखा जाए वन अपॉन में एक्स जीरो माइनस का एक्स टू, आप देखें ऊपर ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस, अब ये है एफ ऑफ एक्स वन और एलसीएम में है ये एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस का एक्स जीरो माइनस का एक्स वन, फिर ये प्लस का एफ ऑफ एक्स टू अपॉन में एक्स वन माइनस का एक्स टू, ये रहेगा। एक कॉलम में बनाइए वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स टू, और ये है फिर एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस में, अब देखिए आप लोग ऊपर से एक्स वन कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स टू तो ऊपर बचा और साथ में है ये एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में है ये एक्स जीरो माइनस का एक्स वन और है ये एक्स वन माइनस का एक्स टू प्लस में है ये एफ ऑफ एक्स टू अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू। अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये रहेगा एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन में एक्स जीरो माइनस का एक्स वन, तो ये लिख दिया, फिर है एक्स जीरो माइनस का एक्स टू
माइनस, अब आप देखेंगे एक्स जीरो माइनस एक्स टू का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, इसमें क्या होगी ये कैंसिल हो जाएगी एक्स जीरो माइनस एक्स टू, और जैसे ही ये एक्स जीरो माइनस एक्स टू कैंसिल होगी तो ऊपर तो रहा आपका एफ ऑफ एक्स वन, अपॉन में आएगा ये अपॉन में आएगा, देखिए ये तो टर्म कैंसिल होगा, ये अपॉन में है एक्स जीरो माइनस एक्स वन, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक्स वन माइनस एक्स जीरो बन जाएगा, माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बना यहाँ एक्स वन माइनस एक्स जीरो, और एक्स वन माइनस का एक्स टू प्लस में है ये फिर एफ ऑफ एक्स टू अपॉन में एक्स वन माइनस, देखिए अब क्या करेंगे अपॉन में यहाँ जो टर्म आएगी ना आप देखेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू है ना ये, अगर यहाँ से हम एक्स टू माइनस एक्स वन करें मतलब माइनस यहाँ से कॉमन लें और इसको एक्स टू माइनस एक्स जीरो करें मतलब माइनस यहाँ से कॉमन लें तो दोनों का माइनस तो हो जाएगा प्लस और इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी ये रहेगा एक्स टू माइनस का एक्स जीरो एक्स टू माइनस का एक्स वन, ये बना। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसमें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें और कमेंट्स में बता दें ले लिया हो तो, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, वो पता काम तो होना ही होना है। अच्छा बंद है फिर आओ, शट डाउन है केवल, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, तो ये जो फर्स्ट डिफरेंस जो चल रहा है, अब यहां समझेंगे आप लोग जो मेन बात है कि अगर हम इसमें ये समझा रहे हैं अभी यहां हम कि x0 की जगह x1 करें, x1 की जगह x2 करें और x2 की जगह फिर हम x वन करें जीरो करें, तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ना जो कि एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू था वह बदल जाएगा, जीरो की जगह तो वन कर रहे हैं ऊपर जो एफ ऑफ एक्स जीरो उसकी जगह तो वन कर रहे हैं हम, अपॉन में आएगा जीरो की जगह वन और वन की जगह टू, फिर यहाँ एक्स जीरो की जगह एक्स वन और टू की जगह आ जाएगा जीरो, साइक्लिक ऑर्डर है ना, जैसे ये एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, तो एक्स जीरो की जगह एक्स वन कर रहे हैं, एक्स टू एक्स वन की जगह एक्स टू और एक्स टू की जगह एक्स जीरो, तो एक्स जीरो की जगह क्या करेंगे हम एक्स वन माइनस का एक्स टू की जगह एक्स जीरो, फिर है प्लस ऊपर है एफ ऑफ एक्स वन, एक्स वन की जगह करेंगे हम यहाँ टू, अपॉन में रहेगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो तो वन की जगह टू माइनस जीरो की जगह वन, फिर रहेगा एक्स वन की जगह टू करेंगे और टू की जगह करेंगे जीरो, प्लस एफ ऑफ एक्स टू है ना ऊपर तो टू की जगह जीरो आएगा, अपॉन में बनेगा ये एक्स टू माइनस एक्स जीरो तो टू की जगह तो करेंगे जीरो और जीरो की जगह करेंगे हम वन, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन तो टू की जगह तो आ जाएगा जीरो माइनस एक्स वन की जगह एक्स टू। अब आप चेक करें इसे तो ये टर्म और वो टर्म कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इस पूरे स्टेप में और इस वाले स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर इतना है ये स्टार्टिंग में था तो यहाँ लास्ट में आ गया, एफ ऑफ एक्स वन वाली टर्म में वो सेकंड नंबर वो यहाँ आ गई, ये जो टर्म है वो लास्ट में लिखी हुई है, यानी हमने ऑर्डर चेंज किया, हमने ऑर्डर चेंज किया, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू जो था इसके इक्वल चल रही थी ये टर्म, और हमने क्या किया x0 की जगह x1 कर दिया, x1 की जगह 2 कर दिया, यहां जो 1 है इसकी जगह 2 कर दिया और 2 की जगह क्या किया x0। इसी तरह से आप अगर 1 की जगह 2 करें, 2 की जगह 0 करें, 0 की जगह 1 करें तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इतना ही रहेगा।
तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अतः द्वितीय विभाजित अंतर अतः द्वितीय विभाजित अंतर उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र है। देखिए यहां आप देखेंगे एक सीक्वेंस बनी हुई है, ऊपर x जीरो है तो जीरो वाले में से वन और टू माइनस किया है, ऊपर वन है तो यहाँ x वन में से जीरो वाला और x वन में से टू x टू वाला माइनस किया है, और यहाँ f ऑफ x टू है ऊपर तो उस टू वाले में से जीरो को माइनस किया है, टू में से ही x वन को माइनस किया है। समझ गए होंगे आप। तो इसी आधार पर हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार अगर हम f ऑफ x जीरो x वन x टू x थ्री की बात करें तृतीय विभाजित अंतर की, तो ये बन जाएगा जीरो है ऑर्डर चेंज करो तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स जीरो, फिर यही आ जाएगा आपका, वो तो अपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। ये बनेगा फिर x1 की जगह x2 करो, x2 की जगह x3, तो ये बनेगा f ऑफ x2 x3 x0 x1, और फिर आप x3 को पहले लिखें मतलब f ऑफ x3 x3 के बाद x0 x0 के बाद x1 x1 के बाद x2, तो ऐसे ही आप लिखें। तो यानी इसका मतलब ये रहा कि तृतीय विभाजित अंतर है वो भी चरों के क्रम से स्वतंत्र है, अतः तृतीय विभाजित अंतर उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र है। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना यहां तक। इस प्रकार हम nवें विभाजित अंतर की बात करें, इसी प्रकार एनवा विभाजित अंतर उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होगा, अर्थात अर्थात एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन करो या फिर f ऑफ x1 x2 और xn x0 करें, और ऐसे ही और भी टर्म्स हों, फिर f ऑफ xn को पहले लिखें तो xn के बाद x0 x0 के बाद इधर आएगा xn माइनस वन, तो यानी जो nवां विभाजित अंतर है वह उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये थ्योरम यहीं कंप्लीट होती है, स्क्रीनशॉट लें और बताएं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। ले लिया ना, ओके। अब देखिए इसमें नेक्स्ट थ्योरम, बहुत अच्छी प्रमेय है ये, एक और प्रमेय रहेगी एनवा विभाजिता जो अंतर होता है वह है एन घात वाले बहुपद का एनवा विभाजित अंतर है वो अचर होता है, इसे सिद्ध करेंगे। प्रमेय नंबर रहेगी आपकी सेकंड, एन घात वाले बहुपद के एनवें विभाजित अंतर
अचर होते हैं, यानी कांस्टेंट प्रूव करना है हमें उसका nth जो डिफरेंस होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, माना n घात का बहुपद, माना n घात का जो बहुपद है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n तथा दो मान एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन के लिए यानी हम ये कहें कि एक्स आर और एक्स आर प्लस वन ये दो मान लिए हमने, ये दो ही मान हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि आर की जगह आप जीरो लिखो तो एक्स जीरो एक्स वन बन जाएंगे ये, आर की जगह वन लिखोगे तो फिर ये एक्स वन एक्स टू बन जाएंगे ये, यानी आर का मान कुछ भी लिया जा सकता है इसमें। तो आप देखेंगे अब इस आधार पर प्रथम विभाजित अंतर जो होगा, अब प्रथम विभाजित अंतर एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस का एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन अपॉन में एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। इस आधार पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि वन अपॉन में जो एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन है वो तो यहाँ है, ऊपर है एफ ऑफ एक्स आर, तो एफ ऑफ एक्स आर का मतलब है इसमें एक्स की जगह एक्स आर लिखें, एक्स की जगह एक्स आर लिखा, इस पे घात एन है तो यहाँ एन किया, फिर माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन मतलब इसमें एक्स की जगह एक्स आर प्लस वन लिखें तो यह बनेगा एक्स आर प्लस वन की पावर एन। अभी एक फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, फिर ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू बी प्लस का ए की पावर एन माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस का, और लास्ट में जो आता है वो है ए बी की पावर एन माइनस का वन, और प्लस में आता है फिर नहीं यहाँ टू रहेगा, फिर आता है प्लस में बी की पावर एन माइनस का वन, ये फॉर्मूला होता है। इस आधार पर अगर हम इसे सॉल्व करें, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ें आप लोग। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, अब देखिए इसको जो फॉर्मूला है इसको भी चेक कर लिया होगा। अब आप क्या करेंगे इसमें कि वन अपॉन में एक्स आर माइनस का एक्स आर प्लस वन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाए तो आप देखेंगे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है ना, तो ए की जगह एक्स आर बी की जगह एक्स आर प्लस वन, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन, फिर बनेगा ये ए की पावर एन माइनस वन, तो ए का मान है यहाँ एक्स आर, तो एक्स आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ लिखेंगे हम एक्स आर की पावर एन माइनस वन लिख दिया, प्लस में है ये ए की पावर एन माइनस टू यानी एक्स आर की पावर एन माइनस टू, फिर साथ में बी, बी की जगह है हम अपने पास एक्स आर प्लस वन, और भी टर्म्स होंगी बीच वाली टर्म उनको हम नहीं लिख रहे हैं, लास्ट वाली टर्म लिखें दोनों को, तो लास्ट वाली टर्म जैसे ही लिखेंगे तो ए की जगह है अपने पास एक्स आर, फिर है बी की पावर एन माइनस टू, तो बी की जगह है ये एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस टू, फिर है प्लस में बी की पावर एन माइनस वन, तो बी की जगह है अपने पास एक्स आर प्लस वन, इसकी पावर ऊपर एन माइनस वन होगी तो ये आ जाएगी यहाँ एन माइनस वन,
किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, बताइए। फॉर्मूला यूज किया है, सामने आपके लिखा हुआ है, बताइए कमेंट्स में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताइए। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, देखिए अब आप देखेंगे कि ये वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो बाकी का जो शेष बचा है ना उसको लिखें, एक्स आर की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स आर की पावर एन माइनस टू इंटू में एक्स आर प्लस वन प्लस ये है फिर यहाँ एक्स आर और एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस टू प्लस में है एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस वन। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें कि अगली टर्म की बात करें एक्स आर प्लस वन, यानी इसी प्रकार अगर हम ये स्टेप निकालें कि एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू, मतलब इसमें आर की जगह आर प्लस वन रख दें, आर प्लस वन की जगह आर प्लस टू रख दें, तो ये बन जाएगा, यह बन जाएगा यहां कि आर की जगह हम क्या कर रहे हैं, आर प्लस वन रख रहे हैं, आर प्लस वन की जगह आर प्लस टू रख रहे हैं हम। तो आप देखेंगे, चलो इस स्टेप को अभी इसके बाद लिखेंगे, पहले हम यहाँ एक लाइन बताते हैं आप लोगों को कि आपने ये जो वैल्यू निकाली है ना एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन, यानी फर्स्ट डिवीजन डिफरेंस निकाला है, प्रथम विभाजित अंतर जो निकाला है, यहाँ जो प्रथम विभाजित अंतर निकाला है, आप एफ ऑफ एक्स को एन घात का बहुपद लेकर के चले थे, लेकिन पहला वाला जो डिवीजन निकाला है डिवीजन डिफरेंस यानी विभाजित अंतर, तो देखा कि एक्स पे कितनी घात है, एक कम हो गई ना एन माइनस वन, यहाँ ये जो टोटल एक्स वाली टर्म है ना इनको देखो, यहाँ एन माइनस दो और यहाँ एक्स पे एक घात है, तो देखिए एन माइनस दो में एक जोड़ेंगे तो एन माइनस एक ही बचेगी इस पे घात, टोटल घातें कितनी रही एन माइनस एक, यहाँ भी देखें तो एक घात तो ये रहेगी यहाँ, और ये है एन माइनस दो, जोड़ेंगे तो एक प्लस एन माइनस दो करेंगे तो एन माइनस एक बनेगी यहाँ, और इस स्टेप की भी पावर कितनी है एन माइनस वन, यानी प्रथम विभाजित अंतर है ना वो एन माइनस एक घात का बहुपद है, अतः प्रथम विभाजित अंतर एन माइनस वन घात का बहुपद है। ऐसे ही हम द्वितीय विभाजित अंतर की बात करेंगे, पुनः देखिए एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू, यानी हम अगर इसमें आर की जगह आर प्लस वन कर दें, आर प्लस वन की जगह आर प्लस टू कर दें, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पूरे में भी करना पड़ेगा ना आर की जगह आर प्लस वन, तो ये बनेगा एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ एक्स आर की जगह आर प्लस वन इसकी पावर एन माइनस का टू, और ये है फिर एक्स आर प्लस वन है ना, तो वन की जगह टू हो जाएगा, और ये है इस पे एक पावर प्लस में आएगा, ये एक्स आर है तो आर की जगह आर प्लस वन, और आर प्लस वन की जगह आर प्लस टू हो जाएगा, तो ये रहेगा एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस का टू प्लस एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस का वन। कुछ नहीं किया है हमने, जहां एक्स आर था उसकी जगह एक्स आर प्लस वन रखा है, और जहां एक्स आर प्लस वन था उसकी जगह एक्स आर प्लस टू रखा है, बस इतना किया है। अब देखेंगे आप इसमें द्वितीय विभाजित अंतर की बात करें, अब द्वितीय विभाजित अंतर जो कि रहेगा एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू, और ये बनेगा एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन माइनस का एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू, और इसके अपॉन में आएगा फिर फर्स्ट माइनस लास्ट, यानी एक्स आर माइनस का एक्स आर प्लस टू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे,
स्क्रीनशॉट लें आप लोग, अभी रिकनेक्ट करेंगे आप लोग। अभी आप रिज्वाइन करोगे? ओके करो सर, डिस्कनेक्ट।